हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे खनिज एवं शैल के पांचवें भाग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो संबंधित है इस अध्याय से। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कौन कौन से हैं। जो पहला महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो है शैल क्या है और शैल के तीन प्रमुख वर्ग और उनके गठन की व्याख्या करें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न का दो भाग है। तो पहले भाग में हमें बताना है कि शैल क्या है और दूसरे भाग में हमें बताना है कि विभिन्न प्रकार के शैल कौन कौन से होते हैं और उनका गठन यानी उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ बताएंगे शैल किसे कहते हैं। तो शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है और चट्टान जो है यानी शैल वो कठोर भी हो सकते हैं और नरम भी हो सकते हैं और विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण देंगे कि कैसे ग्रेनाइट जो है वो कठोर शैल है जबकि शैल खड़ी जो है वो नरम चट्टान है। उसी तरह गैब्रो जो है वो काले रंग का होता है और क्वार्जाइट जो है वो दूधिया सफेद रंग का होता है और फ्लेट्सपार या क्वार्ज जो है वो सबसे आम खनिज है जो चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ हमने बताया कि शैल किसे कहते हैं और शैल जो है वो किस तरह खनिजों से बने हुए हैं और कौन कौन से आम खनिज पाए जाते हैं शैल में और किस तरह शैल जो है वो कठोर भी हो सकते हैं और नरम भी और कैसे ये विभिन्न रंग के पाए जाते हैं। अब यहाँ बताएंगे हम कि शैल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जब हम इनके निर्माण की पद्धति देखते हैं तो निर्माण पद्धति के आधार पर शैल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। अग्नेय चट्टाने जिसे हम इग्नेस रॉक भी कहते हैं, अवसादी चट्टाने जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं और कायंत्रित चट्टाने जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। तो यहाँ हम बताएं कि किस तरह शैल के विभिन्न प्रकार होते हैं जो आधारित होते हैं निर्माण पद्धति पे। आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के शैलों का निर्माण कैसे होता है। तो अग्नेय चट्टाने जिसे हम इग्नियस रॉक भी कहते हैं वो मैग्मा तथा लावा से घनीभूत होते हैं, यानी जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पे आता है तो यही मैग्मा जो है वो ठंडा होकर अग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। अवसादी चट्टाने जो है वो बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंश के निक्षेपण के कारण बनता है और कायंत्रित चट्टाने जो हैं वो बनते हैं जब अग्नेय चट्टाने और अवसादी चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तब ये कायंत्रित चट्टाने बनते हैं। अब हम और डिटेल में जानेंगे कि कैसे अग्नेय चट्टाने बनते हैं। तो अग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं और जब मैग्मा जो है वो ठंडा हो जाता है पृथ्वी के सतह पे तब ये ठोस हो जाता है और तब अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और इग्नियस शब्द जो है वो बना हुआ है इग्नियस शब्द से जो एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है अग्नि। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जब मैग्मा जो है वो पृथ्वी के अंदर से निकलता है और सतह पे ठंडा हो जाता है तब ये अग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। और चूंकि अग्नेय चट्टाने जो हैं वो सबसे पहले बनते हैं और जो भी अवसादी और कायंत्रित चट्टाने होते हैं वो इन्हीं अग्नेय चट्टानों से बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आइए अब बताएंगे अवसादी चट्टाने कैसे बनते हैं। तो अवसादी या सेडिमेंट्री शब्द का उत्पत्ति जो है सेडिमेंटस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जब अग्नेय चट्टाने बनते हैं तब इनमें विभिन्न अपक्षयकारी कारकों के कारण ये छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाते हैं और ये छोटे टुकड़े जो है वो विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बाहर लिए जाते हैं, यानी इनका संवहन होता है और फिर कहीं जाके ये छोटे टुकड़े जो है एक जगह एकत्रित होते जाते हैं और संघनन प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और जब ये अवसादी चट्टाने बनते हैं जहाँ संघनन होता है तो ऐसे प्रक्रिया को हम कहते हैं शिलीभवन यानी लिथिफिकेशन। तो अवसादी चट्टाने बनते हैं लिथिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा।
अब हम जानेंगे कायंत्रित चट्टाने कैसे बनते हैं। तो कायंत्रित का अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। तो जब दाब, आयतन और तापमान के कारण ये अग्नेय चट्टाने और अवसादी चट्टानों में परिवर्तन होता है, यानी इनका पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, तब ये कायंत्रित चट्टाने बनते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ऊपरी चट्टानों के द्रव दबाव और ऊपर उठती मैग्मा के कारण जो द्रव गर्मी होता है, इन दोनों कारकों के कारण जो चट्टाने होते हैं उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और फिर कायंत्रित चट्टानों का यहाँ निर्माण होता है। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि शैल किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के शैल कौन कौन से होते हैं और उनका वर्गीकरण किस आधार पे हुआ है। साथ ही साथ हमने तीनों प्रकार के चट्टानों के निर्माण को डिटेल में बताया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये है, शैली चक्र क्या है और इसे विस्तार से बताइए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि शैली चक्र क्या है, यानी रॉक साइकिल क्या है। तो शैल जो है वो कभी भी अपने मूल रूप में नहीं रहता है, यानी इनका रूप जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं शैली चक्र, जिसे हम रॉक साइकिल भी कहते हैं। तो शैली चक्र जो है एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें जो है वो परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। और इस शैली चक्र को हम इस तरह समझाएंगे यहाँ। तो हम बताएंगे कि कैसे अग्नेय शैल जो है वो प्राथमिक शैल होते हैं और अन्य सभी शैलें जैसे अवसादी चट्टाने और कायंत्रित चट्टाने इन्हीं से निर्मित होती हैं। तो इसे हम इस चित्र के द्वारा और अच्छे से बताएंगे कि कैसे मैग्मा जो है वो पृथ्वी की सतह पे आकर ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं और फिर अग्नेय चट्टानों का निर्माण करते हैं, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इस इग्नियस रॉक में विभिन्न अपक्षयकारी कारकों के कारण और बहिर्जनित कारकों के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और यही छोटे टुकड़े में शिलीभवन प्रक्रिया होता है, जिसके कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे अग्नेय चट्टानों का रूप जो है वो परिवर्तित होकर अवसादी चट्टाने बन गए। अब ये अवसादी चट्टानों में जो है और अग्नेय चट्टानों में विभिन्न प्रकार का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, यानी इनका भी रूप बदल जाता है विभिन्न कारणों से और फिर ये बनाते हैं कायंत्रित चट्टान। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कायंत्रित चट्टानों का निर्माण हुआ अवसादी चट्टानों से और अग्नेय चट्टानों से। अब अवसादी चट्टाने जो है इनमें भी विभिन्न बहिर्जनित कारक जो है वो काम करते रहते हैं, जिसके कारण ये छोटे टुकड़े में फिर से बढ़ जाते हैं और यही छोटे टुकड़े फिर से जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं शिलीभवन प्रक्रिया के द्वारा। तो ये भी एक चक्र जो है वो साइकिल रूप में होता है, यानी अवसादी चट्टाने फिर से टूटते हैं और फिर से बनते हैं। और ये जो कायंत्रित चट्टाने हैं ये भी ताप के कारण फिर से ये जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, यानी पिघल जाते हैं और ये जो है मैग्मा का रूप ले लेते हैं और फिर से ये साइकिल बनता है, यानी मैग्मा जो है अग्नेय चट्टानों का निर्माण करते हैं, अग्नेय चट्टाने जो है वो अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पूरा सेल जो है उनका रूप बदलते रहता है एक चक्र के रूप में। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं शैली चक्र। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि शैली चक्र किसे कहते हैं और इसे हम लोगों ने एक चित्र के द्वारा बताया कि कैसे ये शैली चक्र जो है एक साइकिल के रूप में होता है और कैसे विभिन्न शैल का रूप परिवर्तित होते रहता है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, वो है कायंत्रित चट्टाने क्या है, कायंत्रित चट्टानों के प्रकार का वर्णन करें और उनके निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ हमें बताना है कि कायंत्रित चट्टाने यानी मेटामॉर्फिक रॉक क्या है और वो विभिन्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कायंत्रित चट्टाने किसे कहते हैं। तो कायंत्रित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। तो जब भी अग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप परिवर्तन होता है विभिन्न कारणों से, यानी दबाव के कारण, आयतन तथा तापमान के कारण, तो वो कायंत्रित चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे ऊपरी चट्टानों का द्रव दबाव भी होता है, साथ ही साथ मैग्मा जो ऊपर उठते रहते हैं उनके कारण द्रव गर्मी यानी
तीव्र तापमान भी होता है और इन दोनों कारकों के कारण चट्टानें जो हैं वो अपना रूप बदल लेते हैं और कायंत्रित चट्टानों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ हम बताएंगे कायंत्रण क्या होता है, यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कायंत्रित चट्टान जो है वो कायंत्रण प्रक्रिया के द्वारा बनता है या ना पुनः क्रिस्टलीकरण के कारण बनते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि कायंत्रण में क्या होता है। तो कायंत्रण में जो शैल है उसमें पत्रण या रेखांकन बनते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, और पत्रण का मतलब होता है खनिज का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे खनिज जो है वह सतह के रूप में व्यवस्थित हो गए हैं कायंत्रण प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा जो है वो है बेंडिंग, यानी शैल में जो है कायंत्रण के कारण बेंडिंग भी होता है। बेंडिंग का अर्थ होता है खनिज का पतली और मोटी सतह में व्यवस्थित होना। इस चट्टान में हम देख सकते हैं कि कैसे मोटी और पतली सतह हो गए हैं खनिज का कायंत्रण प्रक्रिया के द्वारा। तो ये है कायंत्रण में क्या होता है। अब हम बताएंगे कि कायंत्रित शैलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पत्रित शैल और अपत्रित शैल, जिसे हम फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं, जैसा हम इस चित्र में देख सकते हैं, और अपत्रित शैल को हम कहते हैं नॉन फोलिएटेड शैल। अब फोलिएटेड शैल का उदाहरण हम यहाँ देंगे, जैसे ग्रेनाइट और स्लेट, और नॉन फोलिएटेड जिसे अपत्रित शैल कहते हैं उसका उदाहरण है संगमरमर और क्वार्ट्ज। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि कायंत्रित शैल किसे कहते हैं और उसका निर्माण कैसे होता है और कायंत्रण में क्या क्या परिवर्तन होता है चट्टानों में, और कायंत्रित शैल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही हमने यहाँ पे इनके उदाहरण भी बताए। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो यहाँ हमें बताना है कि कायंत्रण क्या है और विभिन्न तरह के कायंत्रण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ हमें बताना है मेटामॉर्फिज्म यानी कायंत्रण क्या है और इनके प्रकार के बारे में बताना है। तो हम बताएंगे कि कायंत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो भी कायंत्रित चट्टाने हैं वो बनते हैं कायंत्रण प्रक्रिया के द्वारा जब अवसादी चट्टानों और अग्नि चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी कायंत्रण होता है, तब ये कायंत्रित चट्टाने बनते हैं। तो कायंत्रण जो है वो पुनः क्रिस्टलीकरण का प्रक्रिया होता है, और ये कायंत्रण दो तरह के हो सकते हैं, गतिशील कायंत्रण जिसे हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और उसमें कायंत्रण जिसे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं, संपर्क कायंत्रण और प्रादेशिक कायंत्रण। आइए अब हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के कायंत्रण कैसे होता है। तो जब बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टाने टूटने लगते हैं और उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तब ऐसे कायंत्रण को हम कहते हैं गतिशील कायंत्रण। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टाने जो हैं वो टूटने लगते हैं एवं पिसने लगते हैं और उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो ऐसे कायंत्रण को हम कहते हैं गतिशील कायंत्रण। आइए अब हम जानेंगे ऊष्मीय कायंत्रण किसे कहते हैं। तो ऊष्मीय कायंत्रण में जो है सेल के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है और उनका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है, इसीलिए इसे हम ऊष्मीय कायंत्रण यानी थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे लावा या मैग्मा जो है उनके संपर्क में आने से जो है शैलों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, और इसीलिए यहाँ जो चट्टाने बनते हैं कायंत्रित चट्टान बनते हैं वो ऊष्मीय कायंत्रण के कारण बनते हैं। तो यहाँ हमने जाना ऊष्मीय कायंत्रण के बारे में। अब हम बताएंगे कि प्रादेशिक कायंत्रण किसे कहते हैं। तो प्रादेशिक कायंत्रण में दोनों ही कारक जो है वो काम करते हैं, यानी यहाँ जो है लावा का तापमान के कारण भी स्वरूप में परिवर्तन होता है और साथ ही साथ यहाँ पे विवर्तनकी दबाव के कारण भी जो है वहाँ चट्टानों में विकृतियाँ होती हैं। तो ऐसे कायंत्रण को हम कहते हैं प्रादेशिक कायंत्रण, जिसे हम कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि कायंत्रण प्रक्रिया किसे कहते हैं और कौन कौन से विभिन्न प्रकार के कायंत्रण होते हैं।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा विभिन्न अभ्यास प्रश्न जो महत्वपूर्ण है परीक्षा केंद्र बिंदु से। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये अध्याय जो है शैल एवं खनिज वो समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे नया अध्याय। धन्यवाद।